हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के लिए मेरे क्या व्यूज रहेंगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल क्या रहेगा, आज क्या क्या हुआ है मार्केट में और आगे आने वाले सेशंस में और क्या क्या हो सकता है, इन सब के ऊपर आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो जो भी लोग इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और इस चैनल के ऊपर अभी नए आए हैं, उन लोगों को मैं बताना चाहूंगी, मैं इस चैनल पे निफ्टी, बैंक निफ्टी के ऊपर वीडियोस बनाती हूँ डेली एनालिसिस के साथ में। आपको मेरे चैनल के ऊपर शेयर मार्केट के रिलेटेड सारी अपडेट, सारी न्यूज मिलती जाएगी और आपको कुछ स्टॉक्स रिकमेंड भी होते जाएंगे इस चैनल के ऊपर। तो आपने अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दो ताकि आगे आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको सही से आती जाए। वीडियो शुरू करने से पहले एक और इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप चाहते हो निफ्टी, बैंक निफ्टी के इंडेक्स के ऑप्शंस के अंदर ट्रेड करना और डेली मिनिमम 4 से 5 हज़ार तक का प्रॉफिट बनाना चाहते हो तो आप मेरा प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो जिसकी फीस सिर्फ और सिर्फ 4,000 रुपीज पर मंथ है। आपको करना बस यही है, इस UPI ID पे या फिर इस QR कोड को स्कैन करके पैसे सेंड करने हैं। पैसे सेंड हो जाने के बाद आपको मेरे नंबर के ऊपर WhatsApp कर देना है, जो ये है, ये नंबर आप नोट डाउन कर लीजिए और ये नंबर पे आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट, अपना नाम और नंबर भेज देना है और मैं आपको मेरे ग्रुप में ऐड कर दूंगी। अगर आपको कोई और पेमेंट डिटेल्स चाहिए तो भी आप मुझे यहाँ पे मैसेज कर सकते हो, ओनली मैसेज अलाउ है, ये बात का ध्यान रखिएगा। अभी बात करते हैं इस प्रीमियम ग्रुप के अंदर आपको क्या क्या मिलेगा। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी के लिए डेली कॉल्स मिलेंगे, साथ में कुछ स्टॉक्स मिलेंगे, स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स मिलेंगे, फिक्स स्टॉप लॉस एंड टारगेट दिया जाता है, लाइव मार्केट सपोर्ट मिलता है और एक इंपॉर्टेंट बात जो कोई नहीं देता है ऐसे कॉल्स देने पे, मैं आपको सीखने के लिए एक चार्ट भी प्रोवाइड करूंगी प्रीवियस डे या फिर मॉर्निंग को मार्केट ओपन होने से पहले, जहां पे आपको उस चार्ट के ऊपर सपोर्ट रेजिस्टेंस के लाइंस ड्रॉ किए हुए रहेंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो सके कि मार्केट सपोर्ट कहां पे ले रहा है और रेजिस्टेंस कहां पे फेस हो रहा है, जिसके ऊपर हम लोग कॉल्स आपको प्रोवाइड करेंगे ताकि आपका नॉलेज बिल्डअप होगा, आपको सीखने मिलेगा, साथ में प्रैक्टिकल ट्रेडिंग होगी और अर्निंग्स भी होगी जो कि बाकी सारे लोग आपको नहीं प्रोवाइड करते हैं। और यहाँ पे आपको डेमो कॉल भी मिल रहा है, ये जो पब्लिक चैनल है आपके सामने इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, यहाँ पे फॉलो कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं एवरीडे एक डेमो कॉल प्रोवाइड करती हूँ, आज भी मैंने एक डेमो कॉल प्रोवाइड किया था, आप देख सकते हो 39,100 P922 को मैंने दिया था, जिसने एक घंटे के अंदर ही 400 का रिकॉर्ड बनाया, यानी कि आप सोच सकते हो अगर आपको एक ट्रेड के अंदर इतना प्रॉफिट होगा तो ऐसे मैं आपको दिन में 5 से 6 ट्रेड दूंगी तो आपको कितना प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे मैंने कुछ स्क्रीनशॉट्स भी डाले हुए थे आज के और प्रीवियस भी डाले हुए हैं, कुछ मेंबर्स के प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट भी डाले हुए हैं, तो ये आपके समझने के लिए है कि कैसे कॉल्स और प्रॉफिट आपको होता है यहाँ पे। तो जो भी लोग ज्वाइन करना चाहते हैं आज ही ज्वाइन कर लो, अगर कुछ डाउट रहेगा तो आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। तो आई होप कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे, तो प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना मत भूलिएगा। अभी हम लोग चालू करते हैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस। तो बैंक निफ्टी की आज की क्लोजिंग मिली है 38,702 के पास, तो कल की रेंज में ही निफ्टी बैंक आज फिलहाल बंद हुआ है, लेकिन आज की जो ओपनिंग थी और आज का जो हाई था वो बढ़िया था, 38,849 के पास निफ्टी बैंक आज ओपन हुआ था और वहां से एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिली 39,000 and 39,100 के जोन में। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा था कि निफ्टी बैंक के लिए अभी फिलहाल जो रेजिस्टेंस है वो 39,000 and 39,100 के ऊपर है और जैसे ही इस रेजिस्टेंस जोन में निफ्टी बैंक पहुंचा वहां पे एक रिजेक्शन हमें आता हुआ दिखाई दिया और निफ्टी बैंक ने हमें 38,606 का आज लो बनाता हुआ दिखाई दिया। तो अभी डेज लो से अच्छी खासी रिकवरी करते हुए 38,702 के पास निफ्टी बैंक आज बंद हुआ है।
सेकेंड हाफ में थोड़ा रेंज बाउंड मूवमेंट था, जिस वजह से मैंने ट्रेड ना देना ही बेनिफिट समझा, क्योंकि मॉर्निंग में हमने बहुत सारे ट्रेड्स जो थे वो प्रॉफिटेबल किए थे, 100+ पॉइंट्स का प्रॉफिट हुआ था, जिस वजह से मैंने बाकी टाइम कॉल्स देना सही नहीं समझा। क्योंकि देखिए, यहाँ पे हमें सिर्फ गैम्बलिंग नहीं करना है, हमें डेली मार्केट से कुछ ना कुछ प्रॉफिट होना चाहिए, ये हमारा मोटिव रहता है। और अगर लॉस भी होता है तो वो कैसे रिकवर किया जाता है, ये यहाँ पे आपको मिलता है प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप के अंदर। तो अभी 38,700 के पास निफ्टी बैंक बंद हुआ है, अभी भी डाउन साइड के लिए 38,500 का सपोर्ट निफ्टी बैंक ने होल्ड रखा है। तो मैंने आपसे कहा था, जब तक 38,500 होल्ड है, तब तक निफ्टी बैंक ज़्यादा नीचे नहीं जा सकता। लेकिन अभी अगर कैंडल देखें तो आज फिर से निफ्टी बैंक ने एक निगेटिव कैंडल फॉर्म की है, और कल निफ्टी बैंक ने एक पॉजिटिव कैंडल फॉर्म की थी। तो यहाँ से अगर निफ्टी बैंक कम से कम 39,000 या फिर 38,850 का लेवल भी होल्ड रखता है, तो यहाँ से कुछ चांसेस बनते हैं निफ्टी बैंक के रिकवरी के। अदरवाइज एक और सेशन निफ्टी बैंक 38,850 के नीचे ही रहा, तो यहाँ से निफ्टी बैंक अपने सपोर्ट के तरफ जाएगा, जो कि इम्पोर्टेंट सपोर्ट है 38,000 एंड 38,350 के तरफ। तो यहां से निफ्टी बैंक को कम से कम 38,850 या फिर 39,000 के ऊपर क्लोजिंग देना होगा, तभी कुछ मार्केट के अंदर रिकवरी के चांसेस बनते हैं। ऑप्शन चेन डेटा अगर देखें निफ्टी बैंक का, तो अभी मेरे सामने निफ्टी बैंक का ऑप्शन चेन डेटा है, और कॉल साइड में देखें तो देखिए 1,00,000 का ओपन इंटरेस्ट 39,000 के ऊपर है, और सबसे ज़्यादा अगर कॉल राइटिंग की भी बात करें तो इसी लेवल के ऊपर है। वही पुट साइड में देखें उतना बढ़िया ओपन इंटरेस्ट नहीं दिख रहा है, 38,500 के ऊपर ही हाइएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 74,000 का। और जो पुट राइटिंग हुई है सबसे ज़्यादा वो हुई है डाउन साइड के लिए 38,000 के ऊपर। तो यहाँ से फिर से अगर निफ्टी बैंक को 39,000 के ऊपर रिजेक्शन मिला, तो यहाँ से निफ्टी बैंक अपने क्रूशियल सपोर्ट के तरफ बढ़ेगा, जो कि रहेगा 38,000 के तरफ, और फिर यहाँ से एक बाउंस बैक के लिए ट्राई करेगा। क्योंकि अगर निफ्टी बैंक को 39,000 के पास रिजेक्शन मिल रहा है, तो निफ्टी बैंक सपोर्ट ढूंढेगा, और सपोर्ट जो बेस्ट क्रूशियल सपोर्ट है वो 38,000 के ऊपर है। तो यहाँ तक गिरने के बाद फिर रिकवरी के चांसेस बने हुए हैं निफ्टी बैंक के। अदरवाइज अगर 39,000 या फिर 39,100 के ऊपर गैप अप होता है, तो चांसेस है निफ्टी बैंक के फिर अपसाइड के। तो क्योंकि हमने पहले भी देखा है, अगर निफ्टी बैंक को ऐसे इंट्राडे में नहीं होता है ऊपर जाने के लिए, तो नेक्स्ट डे गैप अप ओपनिंग करके निफ्टी बैंक ट्राई करता है अपने नेक्स्ट रेजिस्टेंस के तरफ बढ़ने के लिए। तो ये बात भी ध्यान रखिएगा, और कोई भी पोजिशन कैरी मत कीजिएगा, जो है वो इंट्राडे में ही निपटा दीजिएगा, क्योंकि कल के लिए अगर आप बैठोगे तो आपका बहुत नुकसान हो सकता है। तो अभी यहाँ से सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करें तो देखिए, फर्स्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट 38,650 का रहेगा, यहां से नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा 38,480 का लेवल। अगर ये लेवल भी ब्रेक होता है तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा 38,350 एंड 38,180 का लेवल। तो ये निफ्टी बैंक के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट के लेवल्स रहेंगे। वही रेजिस्टेंस की अगर बात करें तो फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा 38,850 का लेवल। अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक होता है, इसके ऊपर निफ्टी बैंक सस्टेन कर लेता है, तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस 39,050 का लेवल रहेगा, और उसके बाद में 39,115 का लेवल। अगर ये तीनों रेजिस्टेंस निफ्टी बैंक सक्सेसफुली पार कर लेता है, तो यहां से 39,350 की जर्नी निफ्टी बैंक फिर स्टार्ट करता हुआ हमें दिखाई दे सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस के लेवल से निफ्टी बैंक के लिए। तो अभी आज के लिए, इस वीडियो के लिए बस इतना ही था। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो जरूर लाइक कर देना,
वीडियो को शेयर करना बहुत सारे लोगों के साथ, जिनको भी लगता है इस वीडियो से प्रॉफिट होगा, उन सबके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना और उन सबको कहना इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड ट्रेड केयरफुली।